युवा शक्ति के दम पे ही जग की आजादी चलती है, युवा शक्ति के दम पे ही जग की आजादी चलती है, ये देश उधर मुड़ जाती है जिस ओर जमानी चलती है। बहुत बहुत स्वागत है फास्ट प्लस न्यूज में, मैं हूं अजय कुमार और आज उपस्थित है जनपद सिद्धार्थनगर के बांसी विधानसभा क्षेत्र में। और आज हमारे साथ मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी मोनू दुबे जी, आइए इनसे मिलते हैं और बात करते हैं और जानते हैं किस एजेंडे और किस विचार के साथ विधानसभा में चुनाव लड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत नेताजी, कैसे हैं? बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, आप पत्रकार बंधुओं का लगातार हमारी पार्टी और हम सभी को सहयोग मिल रहा है। आप लोग जनता की आवाज़ को नेतृत्व तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। ये बांसी का चुनाव पूरी तरह से 32 सालों के बदहाली को लेकर के, बदलाव को लेकर के एक बड़ा सुनामी चल रहा है। बांसी में इस बार जनता ने ठान लिया है कि यहाँ मोनू दुबे नहीं, यहाँ बांसी की जनता चुनाव लड़ रही है और बांसी की जनता पूरी तरह से मन बना चुकी है। आपको हमारे कार्यालय का नज़ारा देख करके भी लग रहा होगा, बगल में भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय है, आप वहाँ भी देख लीजिए, यहाँ हजारों की संख्या में सुबह से शाम तक, जबकि मेरे पास ना तो धन है, ना बल है, ना ही मैं कहीं पूंजीपति व्यक्ति हूँ, मैं तो समाज के लिए लगातार लड़ाई लड़ा हूँ और समाज के लोगों के साथ, हर वर्ग के लोगों के साथ, अगड़ा पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक माइनॉरिटी कोई भी हो, सबके हक की लड़ाई लड़ा हूँ। उसी का आज परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग, उनके प्रत्याशी बौखलाहट में हैं और समाजवादी पार्टी लगातार बांसी में बढ़त बनाई जा रही है। निश्चित ही ऐतिहासिक जीत होगी। चूंकि कार्यकर्ताओं में जोश है अपने प्रत्याशी को लेके यहाँ देखने को मिला है, अब नेताजी हम बात करेंगे किस मुद्दे और किस एजेंडे को लेकर अपने विधानसभा में चुनाव लड़ रहे हैं, मुख्य मुद्दा क्या है? हमारा मुख्य एजेंडा सिर्फ एक ही है, मुख्य मुद्दा सिर्फ एक ही है कि 32 साल से बांसी जर्जर हालात पे है, अपने अंतिम दौर से बांसी गुजर रहा है। बांसी की सड़कें बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हैं। बांसी में जिगनेहवा से लेकर के चेतिया मार्ग हो, बांसी में आप गोसियारी से लेकर के बिलौहा मार्ग हो, बिलौहा से लेकर के मरवटिया मार्ग हो, मरवटिया से लेकर सकारपार रोड हो, आप डेड़ई से लेकर के गोसियारी रोड हो, आप किन्हीं सड़कों को चले जाइए, जहाँ भी आप जाएंगे, बांसी से धानी मार्ग आप चले जाइए, यहाँ पे पूरी तरह से सड़कें जर्जर हैं। अस्पतालों में बाबा जी के नंदी महाराज बैठे हुए हैं। इस समय हमारा एक सबसे बड़ा दुखद पॉइंट ये है कि हमारे पूरे बांसी तहसील में, जहाँ पे कम से कम 2000 गांव के लोग, जहाँ से परिवहन की सुविधा उपलब्ध होती है, उस बस स्टेशन को आप जाकर के देख लीजिए, बस स्टेशन की हालत आज ऐसी है कि वहाँ पे हमारे गरीब लोग, जो दलित पिछड़े लोग हैं, वह सब आज इस स्थिति में हैं कि आप जाकर के देखिए कि उस बांसी के बस स्टेशन पर बकरियां पल रही हैं, कई गरीब परिवार झोपड़ी बना करके रह रहा है। माननीय मंत्री जी प्रदेश के टॉप 5 मंत्रियों में से एक थे, उनको तो चाहिए था कि यहाँ के सब बस स्टेशन को मॉडल बस स्टेशन के रूप में स्थापित करते और बांसी को जितनी जर्जर सड़कें हैं, इन सभी सड़कों को बहुत ही अच्छी सड़कें बना करके, बांसी को कई अस्पतालों को सौगात दे करके बांसी को विकास के रास्ते पे ले जाना चाहिए था, लेकिन बांसी को माननीय मंत्री जी ने, उनके परिवार ने 32 सालों पे बदहाली पे छोड़ दिया। बांसी में माननीय मंत्री जी ने अपना विकास किया, अपने घर के बाउंड्री वाल को ठीक करा लिया, टूटी फूटी दीवालों को सही करा लिया, मंत्री जी के यहाँ जयपुर से पत्थर आए हैं, उनके महल में पत्थर लग गए, नए नए फर्श टाइल्स लग गए, अपने महल का दरवाज़ा ठीक करा लिया, लेकिन बांसी की भुखमरी, बदहाली और विकास, जर्जर सड़कों पर माननीय मंत्री जी ने पूरी तरह से तिरस्कार कर दिया, बदहाल पर छोड़ दिया। इस बार बांसी की जनता बदलाव करने जा रही है। नेताजी हम बात करेंगे, नेताजी हम बात करेंगे पार्टी लेवल पे, क्योंकि विपक्ष पार्टियों का कहना है कि जब जब समाजवादी की सरकार बनती है तो लाल टोपी की धाक चलती है, यानी जाएंगे। अब नहीं, मैं 31 साल का नौजवान हूँ, मेरे नाम से बता दीजिए मैंने किसको धमका दिया, किसको हड़का दिया, मैं तो पेड़ पल्लू से प्रणाम करने वाला हूँ, बिजली का खंभा पे भी अगर पोस्टर दिख जाता है कभी कभी प्रणाम कर लेता हूँ। हम लोग समाजवादी लोग हैं, हम सर्व समाज का सम्मान करते हैं, हम सर्व समाज की बात करते हैं। रही बात भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, तो वो हताश हैं, निराश हैं, वो सब अब तमाम गफलतबाजी, तमाम बयानबाजी, तमाम तरह की बातें, तमाम तरह के मुद्दे लेकर के आएंगे, हमको वर्ग के हिसाब से बांटने की कोशिश करेंगे, अगड़ा पिछड़ा के नाम पे
लड़ाने की कोशिश करेंगे, हिंदू मुस्लिम के नाम पे लड़ाने की कोशिश करेंगे, लेकिन हम समाजवादी लोग, हम लोग किसान की बात करेंगे, हम लोग नौजवान की बात करेंगे, हम रोजगार की बात करेंगे, हम जर्जर सड़कों की मरम्मत की बात करेंगे, हम अस्पतालों को लेकर के बात करेंगे। हमें बासी की जनता का पूर्ण समर्थन मिल रहा है और बासी की जनता इस बार बासी में बदलाव लाएगी। ओम प्रकाश राजभर जी के समाजवादी पार्टी में आने के बाद कितनी मजबूती मिल रही है? बहुत मजबूती मिल गई है। आप हमारे साथी यहाँ खड़े हैं, देख लीजिए, ये राजभर साहब लोग हैं और हमारे 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 यहाँ ओम प्रकाश राजभर जी के आने से, स्वामी प्रसाद मौर्य जी के आने से अन्य पिछड़ा समाज जो पूरी तरह से हमारे समर्थन में है, पहली बार गंगा जमुनी तहजीब का ये बड़ा संगम बासी उदाहरण के रूप में होगा कि जहाँ पे सर्व समाज के लोग समाजवादी पार्टी के साथ हैं, अगड़े पिछड़े एक साथ चल रहे हैं, बासी में बदलाव के लिए हुंकार भर रहे हैं। यहाँ पे बासी की जनता बहुत बड़े अंतर से माननीय मंत्री जी को चुनाव हरा करके महल में आराम करने के लिए भेजेगी। नेताजी, हम बात करेंगे बासी विधानसभा में क्या परिवर्तन लाने वाले हैं, अगर आपको जनता चुनती है और यहाँ के विधायक बनते हैं तो क्या परिवर्तन लाएंगे, क्या बदलने वाले हैं, क्या निर्माण करने वाले हैं? सबसे पहले तो बासी की जो जर्जर बस स्टेशन है उसका सुंदरीकरण करके उसको मॉडल बस स्टेशन बनाने का काम करेंगे, यहाँ के जर्जर सड़कों को ठीक करने का काम करेंगे, यहाँ पे जो अस्पताल बंद पड़े हैं उनको चालू करवाने का काम करेंगे, यहाँ पे मंडी समिति का गठन करके सरकारी मंडी जो माननीय मंत्री जी ने अपने घर में ले जा करके अपने महल में मंडी खुलवा लिया, उस मंडी को आज़ाद कराएंगे, यहाँ के अड़हतियों को, यहाँ के व्यापारियों को, यहाँ के जो अन्य गरीब किसान हैं उनकी फसलों को उचित दाम मिले उसके लिए सरकारी मंडी की स्थापना करेंगे, नौजवानों के लिए रोजगार का यहाँ पे साधन और नई फैक्ट्रियों को बांसी की तरफ लेकर के आएंगे। आप एक युवा हैं नेताजी, आप युवा हैं और इस विधानसभा में युवाओं का सहयोग कितना प्रतिशत आपको मिला है? आप यहाँ उठा करके आप अपने कैमरे को आगे और पीछे देख लीजिए, अगर आधे बड़े बुजुर्ग हैं तो आधे नौजवान साथी होंगे और इसमें महिलाओं का भी बहुत जोरदार। आदरणीय अमीना खान जी यहाँ पे मौजूद हैं, हमारी पार्टी की नेत्री हैं, आप प्रदेश सचिव हैं, यहाँ पे और स्नेहलता जी होंगी, अनीता बहन है, शुभांगी जी हैं, यहाँ पे तमाम हमारे साथ बड़े बुजुर्गों के साथ साथ नौजवानों का भी हुजूम हमारे साथ चल रहा है। देखिए हमारे पीछे मौर्य जी खड़े हैं, हमारे पिछड़े समाज के यहाँ पे प्रभारी हैं, आप लोग भी दौड़ रहे हैं, राजभर समाज के लोग दौड़ रहे हैं। नेताजी, इस बार होली में कौन सा गुलाल उड़ने वाला है? इस बार बहुरंगी चलेगा, इस बार लाल पीला नीला हरा गुलाबी सब एक साथ चलेगा। नेताजी, हम आपसे बात करेंगे, सब मिलकर जिताएंगे, सब जीत जाएंगे जी। नेताजी, हम अंत में हमारे चैनल के माध्यम से आप बांसी विधानसभा की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? बांसी की जनता से हम चाहेंगे कि नई बांसी नया विधायक एकदम तय कर लीजिए कि नई बांसी बनेगी जब नया विधायक होगा। बांसी में बदलाव करिए, बांसी की जर्जर सड़कों को मरम्मत करवाने के नाम पर, बांसी की बदहाली के नाम पर, बांसी को दुर्व्यवस्थाएं जो बनी हुई हैं उसको उससे मुक्ति के नाम पर, जो 32 सालों से जंजीरें से जकड़ी हुई बांसी की विकास है उन जंजीरों को, उन तालों को तोड़ने के लिए आप बांसी में बदलाव करिए। मोनू दुबे समाजवादी पार्टी को साइकिल चुनाव चिन्ह पे वोट करिए, हमारे नेता अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाइए और बांसी में फ्री बिजली, 1500 रुपए महिलाओं को पेंशन, हमारे जो कर्मचारी भाई हैं उनके लिए ओपीएस जो पेंशन की व्यवस्था लागू हो, जो मानदेय बढ़ाने की बात अन्य कर्मचारियों के लिए हुई है उन कर्मचारियों का मानदेय बढ़ाया जाए, इन तरह की तमाम मुद्दे ऐसे हैं जिस पर, जैसे किसानों को हमने कह रखा है फ्री में आप खाद देंगे, किसानों को फ्री में कर मुक्त बिजली, कर मुक्त उनको हम ब्याज पे कर मुक्त और ब्याज मुक्त उनको लोन मुहैया कराएंगे, व्यापारियों का व्यापारी आयोग का गठन कराएंगे, महिलाएं बेटियों के लिए कन्या विद्या धन लैपटॉप की व्यवस्था करेंगे, नौजवानों के लिए रोजगार सृजित करेंगे। नेताजी, ये बात कहे तो मैं एक सवाल आता है, विपक्ष का ये भी आरोप है कि एक चुनावी एजेंडा है, लॉलीपॉप है, ऐसा कुछ होने वाला नहीं। समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों के, हमारा 2012 से 17 तक का संकल्प पत्र पढ़ लीजिए और भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र पढ़ लीजिए, आपको
समझ में आ जाएगा कि ये झूठे हैं या हम झूठे हैं। हमने जितना कहा उसका दो गुना किया, हमने पूरा संकल्प पत्र पूरा किया, उसके बाद हमने काम किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने संकल्प पत्र से इस बार मुकर गए हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को जनता नकारने जा रही है। हमारा वचन पत्र है और हम अभी भी वचन देते हैं। कितने से निकाला है सर प्रदेश में? जिस तरह से लहर चल रही, हमको तो लग रहा है कि जो ना हमारे नेताजी का जो लगातार बयान आ रहा है वही हम सच साबित होगा। जनता लगातार, हम सभी सीटों पे बढ़त पे हैं। निश्चित ही जनता इस बार ऐतिहासिक जीत भारतीय जनता पार्टी के सामने समाजवादी पार्टी को देने जा रही है। धन्यवाद। अपने प्रत्याशी और मोदी के प्रचार करने के लिए धन्यवाद नेताजी। ये रहे समाजवादी पार्टी के मोनू दुबे को जिता के लखनऊ ले जाएंगे हम लोग। मोनू जिंदाबाद, जिंदाबाद। तो ये रहे मोनू दुबे जी, जो समाजवादी पार्टी से बांसी विधानसभा में चुनाव लड़ रहे हैं। तो बने रहे फास्ट प्लस न्यूज में अजय कुमार के साथ, विधानसभा बांसी।